एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल फॉर एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज हमारी पावर वीआई की वीडियो सीरीज है। प्रीवियस दो क्लासेस में हमने पावर वीआई के बारे में जाना था कि पावर वीआई किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है, कैसे डाउनलोड करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे उस पर ऑनलाइन सपोर्ट पाएंगे। अब पावर वीआई के इंटरफेस के बारे में हम बता रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करना जा रहे हैं इस वीडियो में कि पावर वीआई का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, मतलब किस तरह से करते हैं और कौन कौन फीचर्स का क्या इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में जानेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे, इससे आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और साथ में जब भी आप यूट्यूब पर आएंगे तो मेरे वीडियोज ऑन द स्क्रीन आपको मिलेंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने पावर वीआई को ओपन किया है। फर्स्ट इंट्रोडक्शन विंडो आया, इसको मैं यहाँ से हटा देते हैं और ये आपके सामने पावर वीआई का इंटरफेस है। इंटरफेस ये आपके पावर वीआई का है, इसके बारे में देखिए। सबसे पहले आप जो है यहाँ पे देखिए कि तीन व्यू है, ये आपका रिपोर्ट व्यू, ये आपका डेटा व्यू, ये आपका रिलेशनशिप व्यू। अभी इसमें हमने डेटा को इंसर्ट नहीं किया, जैसे इसमें हम डेटा को इंसर्ट करेंगे तो ये सारे व्यू वर्क करेगा। फिर यहाँ पे आपका विजुलाइजेशन है कि जो डेटा, जो रिपोर्ट्स आपने रख रखे हैं और जिस तरह के चार्ट्स या जिस तरह के फील के क्राइटेरिया को आप सर्च यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी तरीके से वो दिखेगा। तो आप अपने रिपोर्ट्स और अपने डैशबोर्ड में जो तरीका अपनाएंगे वही तरीका आपको यहाँ से मिलेगा। ये फील्ड्स जिस डेटा को आप इंसर्ट करेंगे इसके अंदर में उसके फील्ड, देखिए अगर आप लोग इस पहले मेरी दो वीडियो को नहीं देखा है तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि पावर वीआई जस्ट से एडवांस पिवट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो आपने पिवट के बारे में पढ़ा है, जो आपने पावर पिवट के बारे में पढ़ा है, उसी का एडवांस रूप ये आपका वीआई टूल्स है, समझिए। तो जैसे वहाँ पे हम फील्ड को उठा कर रखते थे और जो हमारा एरिया में हमारा रिपोर्ट्स बनता था, उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि यहाँ पे जो भी डेटा हम इंसर्ट करेंगे उसका यहाँ पे फील्ड आएगा और उस फील्ड को उठा के हम यहाँ पे लेबल्स हैं हमारे के, पेज लेबल है, ड्रैग डेटा फील्ड है, रिपोर्ट लेबल फील्ड है, ड्रैग डेटा हेयर है, तो इसके अंदर हमें रखना है, उसके हिसाब से यहाँ रिपोर्ट हमारा बनते जाएगा। रिपोर्ट को डेटा फॉर्म में देखना है तो डेटा फॉर्म में देखें, अगर रिपोर्ट को चार्ट फॉर्म में देखना है तो आप चार्ट फॉर्म में दे सकते हैं। और हालांकि एडवांस रिपोर्ट है तो इसमें कई डेटा, कई फाइल्स हम इंक्लूड करेंगे, उनके आपस में रिलेशनशिप करेंगे, तो ये रिलेशनशिप बताएगा कि कौन सा डेटा किस डेटा के किस पार्ट से कनेक्टेड है उसके बारे में हम बताएगा। तो विजुलाइजेशन के नीचे आए आपका जो आता है फॉर्मेटिंग है कि आप अपने रिपोर्ट्स को अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ आप रिपोर्ट को देख सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कि भाई पेज की इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, पेज की साइज़ क्या होना चाहिए, पेज का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ये चीज़ आप यहाँ से करेंगे। ये जो ब्लैक एरिया आपको दिख रहा है, ये ब्लैक एरिया जो होता है, ये ब्लैक एरिया जो आप यहाँ देख रहे हैं इस पर आपका रिपोर्ट को शो होता है और यहाँ पे पेजेज होते हैं आपके। तो होता है जैसे एक ही रिपोर्ट, एक ही डेटा इन्फॉर्मेशन को कई एंगल से हम देखना चाहेंगे तो इसी को हम यहाँ पे पेज बाय पेज ऐड करते जाएंगे और उसके एंगल्स को देखते चले जाएंगे। उसके बाद इसमें जो है तकरीबन तीन मॉड्यूल है, पहला आपका होम है, दूसरा आपका व्यू है और तीसरा आपका मॉड्यूल्स है। उसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका फाइल मेनू बार जो कि जनरली सब में होता है और यहाँ पे जिस नाम से आपका रजिस्टर्ड होगा उस वहाँ पे नाम यहाँ दिखेगा। अब चलिए एक बार हम व्यू के बारे में समझ लेते हैं कि कौन सा व्यू किस वर्क किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कि हम फाइल की बात करें तो हम न्यू प्रोजेक्ट ओपन करें, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे या
पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे या सेव करेंगे या डिफॉल्ट नाम से सेव करेंगे, या हम डेटा को या डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इसको इंपोर्ट करेंगे और अगेन हम इसको हम टैम्पलेट के रूप में या रिपोर्ट के रूप में एक्सपोर्ट करेंगे। पब्लिश जो कि यहाँ पे डीएक्टिवेटेड है क्योंकि अभी तक लॉगिन नहीं हुआ, पब्लिश का मतलब हुआ कि इसको ऑनलाइन जो हमारा साइट ऑनलाइन जो हमारा लिंक मिला है उस पर इसको पब्लिश करना, ठीक है। यहाँ भी इसकी ऑप्शन है और डेटा की सोर्स की सेटिंग है। हेल्प तो जनरली समझते हैं कि इसकी आप यूजर गाइड या लर्निंग के बारे में जान सकते हो, वीडियोस वगैरह देखना है, ट्रेनिंग वीडियो देखना है, सपोर्ट लेना है, किसी चीज़ के बारे में पूछना है तो यहाँ से आप पूछ सकते हो, जान सकते हो। और ये अपडेट्स आपके आते हैं और यहाँ से आप साइन हो सकते हैं, यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, ये आपके व्यू में है। अगर होम मेनू के बारे में बात करें तो होम मेनू के अंदर में जो रिसेंटली यूज होने वाले फॉर्मेट्स हैं वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। कॉपी पेस्ट करना, डेटा को एक्सटर्नल डेटा को इंपोर्ट करना, की पर्टिकुलर इंसर्ट करना, जैसे पेजेस हो गया या फिर जो भी विजुलाइजेशन हुआ उसको इंसर्ट करना, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह हो करना, कस्टम विजुलाइजेशन मतलब इसको जो कस्टम विजुलाइजेशन उसके बारे में रिलेशनशिप एंड कैलकुलेशन शेयर जो चीज़ें यहाँ पर देख रहे हो आपका जो रिसेंट मतलब मोस्ट यूजेस है वो आपके होम में मिलेगा। उसके बाद व्यू, व्यू के अंदर में आएगा कि भाई आप ग्रिड लाइन शो करवा सकते हो, आप स्नैप शॉट शो करवा सकते हो, आप ऑब्जेक्ट को लॉक कर सकते हो, पेज की व्यू फिट टू पेज या फिट टू विड्थ या एक्चुअल साइज अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो व्यू से रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो आपका व्यू में होता है। मॉडलिंग की बात करें तो मॉडलिंग के अंदर में आपका जो रिलेशनशिप कैलकुलेशन फॉर्मेटिंग जो मॉडलिंग है उसके बारे में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी ऑप्शन बीआई नहीं किसी भी टूल्स के अंदर में उसके अकॉर्डिंग जो भी कुछ कोई भी कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर में यूजेस के हिसाब से कैटेगरी बटा होता है मेनू बार के, उस कैटेगरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, अगली वीडियोज में हम आपको इसको यूज करना सिखाएंगे। अभी आपको मैंने इंट्रोड्यूस किया कि पावर बीआई के कौन सा ऑप्शन किस तरह से वर्क करता है और क्या है, तो इंट्रोड्यूस किया। अगले वीडियोज में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे पावर बीआई को और सैम्पल के तौर में इसका करेंगे। अगर मेरे साथ पावर बीआई एडवांस एक्सेल वीवीएम मैक्रो एमएस एक्सेस या किसी भी तरह की एमआईएस रिपोर्ट ऑटोमेशन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हमारे डीवीडी परचेज करना चाहें तो भी डीवीडी परचेज कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, वहां पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। और हम पहले 3-4 फ्री डेमो क्लास देते हैं, अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप हमारी डेमो क्लासेस का ही फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मेरी क्लासेस की पूरी वीडियोज आपको मिले तो आप हमारी excel.jeetkumar.co.in वाली वेबसाइट को क्लिक ओपन करें, वहां पर आपको सारी डिटेल मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।